भारत ने भाई इंग्लैंड को यार दूसरा टेस्ट मैच भाई 106 रन से हरा दिया भाई। यार ये सुन के भाई कितना सुकून मिल रहा है कि यार इंग्लैंड भाई दूसरा टेस्ट मैच हार गई यार। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद भाई भारत का भाई पूरा इंटरनेशनल में भाई बहुत बेज्जती हो गया था। कैसे भाई भारत भाई अपने होम ग्राउंड में भाई इंग्लैंड से भाई एकदम बुरी तरीके से हार गए। उसी तरह यार दूसरा टेस्ट मैच भाई भारत ने भाई हराया दोस्तों। अपने बेज्जती का भाई पूरा बदला भाई रोहित शर्मा की टीम ने ले लिया भाई। ऊपर से भाई रोहित शर्मा की टीम में भाई कोई भाई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं था भाई, रविचंद्र अश्विन, जसप्रीत बुमराह और भाई रोहित शर्मा को छोड़ के। सही बात है, रविंद्र जडेजा बाहर चले गए, केएल राहुल बाहर चले गए थे भाई, बहुत सारे प्लेयर्स नहीं खेले थे, विराट कोहली नहीं खेले थे, चेतेश्वर पुजारा नहीं खेले थे, लेकिन दूसरा टेस्ट मैच भाई हाईजैक में भाई रोहित शर्मा की टीम जीत गए दोस्तों, भारत जीत गया भाई। शाबाश, इंग्लैंड वाले सोचे कि साला 400 रन का टारगेट है भाई, आराम से इजिली चेस कर ले जाएंगे हाईजैक के पिच पे। लेकिन भाई बुमराह और रविचंद्र अश्विन के रहते भाई भारत भाई मैच हार सकता है भाई। पहला टेस्ट मैच तो छोड़ ही दीजिए भाई, पहला टेस्ट मैच भाई बैटिंग के कारण हारा, लेकिन दूसरा टेस्ट मैच भाई यार बॉलिंग के कारण भाई भारत जीता भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही यार, बुमराह ने भाई क्या बॉलिंग की भाई यार। जॉनी ब्रेस्टो को भाई जो कि हमारे लिए भाई डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन साबित हो सकते हैं तो उनको आउट किया दोस्तों। फिर यार भाई बेन फॉक्स को जो भाई टिक रहे थे भाई यार हर बॉलर के सामने, भाई रवि अश्विन को भाई बहुत अच्छे तरीके से खेले थे भाई, उनको भाई फोर्थ इनिंग में आउट किया भाई। और फिर भाई यार बात करें टॉम हार्टली की, जिन्होंने भाई सिक्स उठा के भाई रवि अश्विन को मारा दोस्तों, उनको भाई यार आउट भाई बुमराह ने किया भाई यार, 9वां विकेट उन्होंने लिया दोस्तों। शाबाश इस मैच का भाई, क्योंकि भाई पहले इनिंग में भाई 6 विकेट लिया दोस्तों और दूसरे इनिंग में भाई 3 विकेट लिया भाई, कहर बरसा दिया भाई बुमराह ने भाई दूसरे टेस्ट मैच में भाई यार, क्या बॉलिंग रहे भाई बुमराह की भाई, दिल जीत लिया दोस्तों। ऊपर से भाई रवि अश्विन का भाई 3 विकेट हॉल यार, एक विकेट और मिल जाता तो भाई रवि अश्विन का भाई 500 विकेट है टेस्ट क्रिकेट में कंप्लीट हो जाता, लेकिन भाई ये मैच में नहीं। तो यार तीसरा मैच सही भाई यार धर्मशाला में भाई, भगवान से खैर मनाइए कि भाई हमारे पास यार बुमराह जैसे बॉलर जो भाई मैच बना के दे देते हैं भाई। पहले इनिंग में भी देखा कि ओली पॉप को आउट किया भाई, जो रूट को आउट किया दोस्तों, जॉनी बेस्ट को आउट किया भाई, बेन स्टोक को आउट किया भाई, मेन विकेट भाई यार बुमराह ने लिया, नहीं तो भाई इंग्लैंड भाई किस जिस तरह भाई खेल रहा था भाई गजब का भाई क्लासिक बैटिंग करा दोस्तों। उसके बाद भी चौथे इनिंग में भाई तो और भाई क्लासिक क्लासिक शॉट निकल रहे थे भाई, जैक क्रॉली भाई पहले इनिंग में भाई 78 रन बनाया, दूसरे इनिंग में भी बनाया भाई, क्या बैटिंग किया भाई जैक क्रॉली ने। अगर उनके साथ अगर कोई एक और एकादा बैट्समैन खड़ा हो जाता ना तो भाई ये मैच भाई यार भारत से भाई छीन के लेके चले जा सकते थे इंग्लैंड यार। इंग्लैंड के पेसर जेम्स एंडरसन भाई और जॉनी बेयरस्टो भाई बहुत भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि अगर भारत 600 रन का भी टारगेट देगा ना तो हम लोग भाई इजीली चेस कर ले जाएंगे, क्योंकि भाई 2 दिन का टेस्ट मैच बचा हुआ है भाई। लेकिन भाई कहां तुमसे बना यार, 400 रन तुमसे बना नहीं यार, तुम 600 रन का ख्वाब देख रहे थे। भारत भाई दूसरे इनिंग में भाई बैटिंग तो बकवास किया, लेकिन भाई शुभम गिल ने भाई दूसरे इनिंग में भाई यार सेंचुरी बना के भाई यार ट्रोलर्स को भाई अपने बल्ले से भाई जवाब दिया दोस्तों। और यशस्वी जायसवाल का भाई डबल सेंचुरी भाई ये मैच में भाई कैसे भूल सकते हैं यार, वो अपना सेंचुरी तो मारे ही मारे भाई, और ऊपर से रोहित शर्मा का भी सेंचुरी कंप्लीट कर दे, क्योंकि भाई डबल सेंचुरी ने मारा भाई, एक यशस्वी जायसवाल का एक रोहित शर्मा का भाई। रोहित शर्मा का तो भाई पहला टेस्ट मैच भी बेकार ही रहा दोस्तों, दूसरा टेस्ट मैच भी बेकार ही रहा भाई, ऊपर से 7 विकेट के खिलाफ भाई यार सीरीज भी बेकार ही रहा भाई। पता नहीं भाई रोहित शर्मा का भाई बल्ले का क्या हो गया कि भाई उनके बैट से भाई रन ही नहीं निकल रहा है यार। दूसरे टेस्ट मैच में देखिए भाई पहले इनिंग में भाई 14 रन पे आउट हो गए दोस्तों, तीसरे इनिंग में यार भाई 13 रन पे आउट हो गए, उससे ज्यादा तो भाई रविचंद्र अश्विन भाई कंट्रीब्यूट करते हैं भाई यार हमारे इंडियन क्रिकेट के लिए भाई यार। पहले मैच में भी और दूसरे मैच में भी, दूसरे मैच की बात करते हो भाई पहले इनिंग में भाई 25 रन मारा भाई और दूसरे इनिंग में भाई 29 रन मारा यार। मैं कंपेयर रवि अश्विन और रोहित शर्मा के नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यार रोहित शर्मा को भाई थोड़ा भाई शर्म आना चाहिए भाई, भले मैच जिताया हो लेकिन आपके बैट से भाई रन नहीं निकल रहा भाई, कब आपके बैट से भाई सेंचुरी निकलेगा यार। 2021 के बाद भाई एक को सेंचुरी यार रोहित शर्मा के भाई बल्ले से भाई टेस्ट क्रिकेट में नहीं आया भाई यार, कैसे भाई रोहित शर्मा रह ले रहा भाई समझ ही नहीं आता भाई। बिना सेंचुरी के साथ यार भाई ओपनिंग बैट्समैन एक को भाई सेंचुरी ना हाफ सेंचुरी भाई रोहित शर्मा मारे भाई टेस्ट क्रिकेट में भाई। बात करें इंग्लैंड की बैटिंग की तो भाई उनकी धजिया भाई हमारे बॉलर्स ने उखाड़ दिया दोस्तों, और सबसे बड़ा विकेट तो भाई श्रेयस अय्यर ने दिलाया भाई रन आउट का, जो कि बेन स्टोक को भाई रन आउट किया भाई, क्या फील्डिंग रही थी भाई श्रेयस अय्यर का भाई, परफॉर्मेंस तो भाई एकदम झाट बराबर दी इस टेस्ट मैच में, लेकिन भाई फील्डिंग भाई गजब की है भाई। पहले मैच में भाई पहले इनिंग में यार जैक क्रॉली का कैच पकड़ना भाई गजब की भाई कैच पकड़ा था, और इंग्लैंड के भाई दूसरे इनिंग में भाई यार बेन स्टोक को भाई रन आउट करना भाई सबसे बड़ा विकेट वही था भाई, क्योंकि बेन स्टोक को हम लोग जानते हैं दोस्तों वो भाई कहां तक भाई हम लोग को भाई तोड़ देते हैं भाई, इंडियन बॉलर्स को भाई कुछ भी नहीं समझते यार, चाहे वो बुमराह हो चाहे अश्विन हो चाहे कोई भी बॉलर का है ना हो भाई, पीटने लगते तो भाई सबको देख देते अकेले
खेल है बेन स्टोक भाई, लेकिन भाई बेन स्टोक को भाई रन आउट किया ना भाई, उसकी वजह से भाई भारत वही मैच जीता भाई। गजब का भाई वो रन आउट था यार भाई, उस तरह का भाई फील्डिंग हम लोग भाई हर प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हैं दोस्तों, और फील्डिंग भी क्लासिक फील्डिंग किया भाई श्रेयस अय्यर ने यार। मेरे को लगा ना कि भारत भाई दूसरे इनिंग में भाई रन बहुत कम बनाए, 255 रन भाई बहुत कम थे भाई, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई 350 प्लस रन, लेकिन भाई 255 रन बनाया भाई, 400 का रन लीड हो गया था, और हम लोग जा रहे थे भाई इंग्लैंड भाई बैच बॉल की तरह खेलेगा भाई, 400 रन भाई चेस कर सकता है, क्योंकि भाई बैटिंग उसी तरह कर रहा था भाई। बेन डकेट का विकेट गिरने के बाद भाई थोड़ा मोड़ा उम्मीद आया दोस्तों, फिर भाई यार जब यार 28वें ओवर हुआ ना दोस्तों भाई यार सेशन वन, उसमें भाई 5 विकेट भाई भारत ने गिरा दिया, वहां से भाई इंग्लैंड का होप टूट गया दोस्तों। और ओली पॉप तो आउट हो ही के भाई, रोहित शर्मा ने भाई जिस तरह भाई कैच पकड़ा भाई, क्या कैच पकड़ा था भाई, 0.40 सेकंड में उनका भाई रिएक्शन था भाई रोहित शर्मा का यार। अगर नंबर वन स्लिप की फील्डर की बात करेंगे तो रोहित शर्मा भाई स्लिप में भाई बहुत मस्त होते हैं भाई, रोहित शर्मा चाहे अजिंक्य रहाणे भाई गजब का कैच पकड़ता स्लिप में यार, और उनकी बराबरी भाई स्लिप कैचेस में भाई कोई नहीं कर सकता। ब्रेंडन मैकलम का भाई चेहरा बन गया भाई जिस तरह वो मैच हारे भाई, ब्रेंडन मैकलम यार बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि हम भारत से इजीली दूसरा टेस्ट मैच भी जीत जाएंगे, चाहे वो 600 रन काहे नहीं बना दे भाई, ब्रेंडन मैकलम 600 रन भाई भारत से एक्सपेक्ट कर रहे थे, 600 रन का टारगेट देगा, टारगेट तो 400 ही रन का था भाई, लेकिन यार भारत की बॉलिंग भाई बहुत अच्छी थी यार, बहुत अच्छी थी भाई पहले इनिंग में भी या दूसरे इनिंग में भाई भारत का भाई यार। पहले टेस्ट मैच में भाई भारत भाई जितना गलती किया था उसका गलती भाई आधा भी यार भारत भाई दूसरे टेस्ट मैच में नहीं किया दोस्तों, भाई रन भाई कम बनाया था दोस्तों, लेकिन भाई यार फील्डिंग और भाई बॉलिंग भाई बहुत अच्छी की थी भाई। पहले टेस्ट मैच में तो भाई सबसे बड़ी गलती थी भाई दूसरे इनिंग में भाई बैटिंग भाई, जो कि 202 रन पे यार फ्लॉप हो गए थे भारत भाई, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में भाई यार उतना भाई बैटिंग भाई बकवास भी नहीं था, और भाई यार भाई मैच भी जीता भाई भारत यार। इस मैच से भाई बहुत लोग को एक्सपेक्टेशन था, रजत पाटीदार का डेब्यूटेंट और भाई सरफराज अहमद का डेब्यू यार, रजत पाटीदार को तो भाई डेब्यू मौका मिला भाई, लेकिन सरफराज अहमद को भाई मौका नहीं मिला, अगर तीसरे टेस्ट मैच में भाई विराट कोहली की वापसी हो जाएगी ना तो भाई यार सरफराज अहमद को और भी मौका नहीं मिलेगा, ऊपर से तीसरे टेस्ट मैच में भाई सुन रहे कि भाई केएल राहुल भी वापस आएंगे, रविंद्र जडेजा भी वापस आएंगे, तो भाई कौन बाहर जाएगा वो तो भाई अगले वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। भारत के पहले इनिंग में भाई 396 रन भाई भारत ने बनाया, दूसरे इनिंग में भाई 255 रन बनाए, पहले इनिंग में भाई 200 रन भाई यशस्वी जायसवाल ने बनाए, तो दूसरे इनिंग में भाई शुभम गिल ने भाई सेंचुरी जड़ा दोस्तों। और भाई पहले इनिंग की बॉलिंग की बात करें तो भाई बुमराह ने भाई 6 विकेट लिए थे, और दूसरे इनिंग की भाई भारत के बॉलिंग की बात करें तो भाई यार बुमराह ने भी यार 3 विकेट लिए, 3 विकेट भाई अश्विन ने लिए दोस्तों, और भाई कुलदीप यादव भी विकेट लिए, मुकेश कुमार भी विकेट लिए भाई, 1 विकेट यार अक्षर पटेल ने भी लिया दोस्तों, सबसे बड़ा विकेट तो भाई यार भाई श्रेयस अय्यर का था यार। मैच का भाई पूरा क्रेडिट भाई अपने बॉलर्स को दूंगा भाई, बॉलर्स ने भाई मैच बना के दिया है भाई, मैच जिता के दिया है दोस्तों, क्योंकि अगर बॉलर भाई अच्छे अच्छे ना होते ना अश्विन और बुमराह की तरह तो भाई ये मैच भाई जीतना नामुमकिन ही था भाई भारत के लिए भाई, क्योंकि भाई इंग्लैंड भाई बहुत अच्छा जानती है भाई चेस करना दोस्तों, फोर्थ इनिंग में भाई उनसे ज्यादा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता भाई फोर्थ इनिंग में भाई चेस करना भाई, पाकिस्तान को भाई 3-0 से भाई हराया था दोस्तों, उनके होम ग्राउंड में वो भी भाई पाकिस्तान के यार भाई। खैर मनाए भाई हमारे भगवान जी का कि भगवान जी भाई इंडिया में भाई ध्यान दिया भाई दूसरा टेस्ट मैच में भाई, नहीं तो ये भी मैच इंग्लैंड भाई इजिली जीत सकता था यार। अब भाई 10 दिन बाद मैच है भाई, 15 तारीख को मैच है भाई राजकोट में भाई, अब मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, तब तक वीडियो का लाइक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि भाई आपको यार भाई ये वाला मैच कैसा लगा दोस्तों, फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों।